तीनों जिला के अब वह आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरण समारोह में उपस्थित साथी मंत्री सत्यानंद भक्ता जी इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक मिथिलेश ठाकुर जी, लोकप्रिय विधायक बैजनाथ राम जी, लोकप्रिय विधायक रामचंद्र सिंह जी और उपस्थित प्रधान सचिव विनय चौबे जी, सचिव चंद्रशेखर जी, आयुक्त दशरथ चंद्र दास जी, आई जी लकड़ा जी, तीनों जिला के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और पदाधिकारीगण आरोपित सभी लाभुक भाई बहन पत्रकार साथी सभी को हमारी उसे सबसे पहले जोहार। आज इसका पहले हम डाल्टनगंज में जो हर समय पलामू प्रमंडल में या पलामू जिला सुखाड़ के झेलना पड़ता है और इस प्रमंडल में हर समय सुखाड़ की बात विधानसभा में उठते हैं और उसी को देख के जो इस सरकार बनाने में जिसका अहम भूमिका और जनादेश जो प्राप्त हुआ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नेतृत्व में जनादेश प्राप्त होके सरकार गठन हुआ और गठन के बाद ही प्रदेश या देश विश्व में कोरोना से हम लोग प्रभावित हुआ, लेकिन इस राज के अंतर्गत में कुशल नेतृत्व था हेमंत बाबू का, हर तरह की सुविधा चिकित्सा की जो डबल इंजन थे सरकार थे उस समय ये आज को ऐसा स्थिति में खड़ा होके छोड़ दिया। कोई भी हॉस्पिटल में राज के अंदर में कोई सुविधा नहीं, ऐसा परिस्थिति में कोरोना आया, जो लोग बहुत भारत सरकार और केंद्र सरकार ने जो बड़ा बड़ा बात करते हैं कि हमने सब कुछ देते हैं, कभी आयुष्मान का कार्ड इसी धरती से किया शुभारंभ, लेकिन आयुष्मान कार्ड से कहीं चिकित्सा नहीं होता है, हर निजी कम से यह हॉस्पिटल हाथ उठा दिया कि हमारा अभी तक पैसा बाकी है। और उसी तरह आज जो आवास की बात आया,
हम लोग बहुत सुनते थे पीएम आवास, प्रधानमंत्री आवास, आठ लाख आदमी का सूची बन गया। जब ये हेमंत बाबू का सरकार बना, बनने का साथ ही भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने सरकार गिराने का हर समय प्रयास किया, कभी स्थिर से रहने नहीं रहने दिया, केंद्रीय एजेंसी को लगा दिया। अरे केंद्र देश के जनता सम्मान करते हैं, जो कि लोकतंत्र अपना स्वतंत्र रूप से अगर केंद्रीय एजेंसी काम करेगा तो आदमी स्वीकार करेगा, लेकिन अपना भाजपा का एजेंट के ऐसा यदि काम करेगा तो देश के जनता उसमें सवाल खड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी प्रकार के आरोप नहीं रहते हैं, न खाता में न बही में लिखा है। आज हेमंत बाबू को आज गिरफ्तार कर लिया, अरे भी उसका पूछताछ हो रहा है कि आप क्या किया है। अरे भाई आपको तो पहले ही पता है, तो उसको दिखा दीजिए आप ये काम किया है। इस तरह से दुरुपयोग या भारत के जनता या प्रदेश के जनता देख लिया कैसा केंद्रीय एजेंसी का उनका जो है भावना है, उसी तरह से हम लोग चलाते या सच। चार साल तक, दो साल तो कोरोना में, दो साल में हेमंत बाबू ने सोचा जी झारखंड प्रदेश को पूरा देश के जनता देखते हैं, ये झारखंड प्रदेश सोना का चिड़िया है, इस प्रदेश में खनिज संपदा से भरा हुआ है, किन लोग उनका उपयोग किया वो उपयोग आपको देखने को मिलेगा गुजरात, महाराष्ट्र, बंबई, दिल्ली में, लेकिन झारखंड के आदिवासी मूलवासी अभी भी जहां की तहां है। ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा, कितना आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक व्यवस्था क्या हुआ है, शैक्षणिक व्यवस्था क्या है, और उसी सोच के साथ ही हेमंत बाबू ने योजना बनाने शुरू किया कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी को हम सबसे पहले रोटी, कपड़ा, मकान देने का काम करेंगे। यही तो शुरू किया। झारखंड अलग राज्य होने के बाद 23 साल से ज्यादा हो गया, और भाजपा बनाने सबसे ज्यादा उन लोग भी यहां अपना शासन हुकुम चलाया। क्या दिया? सिर्फ झूठ, गलत प्रचार, उसी का जीता जगता उदाहरण है जो पीएम आवास, 8 लाख यहां झारखंडियों का सूची बना। कितना बार हेमंत बाबू ने पत्राचार किया, जाके भी कहा कि पैसा दे दो, लेकिन नहीं दिया। उसमें केंद्र का अंश था 80,000 और राज्य का अंश था 50,000, लेकिन नहीं जो दिया। इसलिए आज ये सोचो कि हम झारखंड के यहां का आदिवासी, यहां का दलित, यहां का पिछड़ी वर्ग, यहां के मूलवासी को हम बिना घर से रहने नहीं देंगे, उनको आवास देंगे, और आवास दो कमरा का नहीं, 3 कमरा का आवास। जब भारत सरकार जो बहुत चिल्लाते हम सब कुछ देते हैं, ये जीता जगता उदाहरण
गांव में जाइए, कितना पुष्प का घर बरसात में टूटा हुआ है, कोई प्लास्टिक से ढक के आए उनका नीचे, लेकिन उसका दर्द नहीं है। कल कह दिया हम पीएम आवास दे दिया, जो आज उसमें भी धोखा दे दिया, आयुष्मान कार्ड में भी हम लोग को धोखा दिया। और यहां ये सरकार, लोकप्रिय सरकार, उसको अस्थिर करने के लिए अपना प्रयास किया। इसलिए आज हेमंत बाबू ने इस पलामू जिला, गढ़वा जिला में सिंचाई की काम शुरू करवा दिया है, जो हर समय सुखार की बात आते हैं विधानसभा में, उसी तरह पाइपलाइन से हर जगह हर खेत में पहुंचेगा और 12 महीना हर खेत में पानी मिलने लगेगा, तब यहाँ का किसान, या छोटे किसान हो चाहे बड़े किसान हो, अपने पैर से खड़ा हो सकेगा। ये कदम उठाया। उन लोग भी तो, बीजेपी भी तो यह सत्ता में था, क्यों नहीं सोचा? उसका कभी विकास के काम में उसका रुचि नहीं है, खाली उनका प्रचार करना है। और जो देश में महाराजा बैठा हुआ है केंद्र सरकार में, उसका नाम से गुणगान करना है, चाहे रेल भेज देगा, चाहे कुछ भी कर देगा। आज इतना झारखंड के साथ भेदभाव किया है, जो हमारा हिस्सा है वो भी नहीं दिया। इसीलिए आज हम लोग ये आवास, अपना राज्य सरकार अपना बल पर हम लोग बनाएंगे और 20 लाख परिवार को हम लोग देंगे। और 2017 तक एक भी ऐसा टूटल फूटल घर नहीं रहेगा, सब परिवार को पक्का मकान दिया जाएगा। उसी तरह आज हेमंत बाबू ने सोचा, गांव में विद्युतीकरण हो, गांव में जितना हमारा कंज्यूमर है उसको 100 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, और कितना भी मिल रहा है फ्री, 21 लाख परिवार को 100 यूनिट के नीचे बिजली खपत रहा, इसलिए उन लोग को फ्री बिजली जला रहा है। 21 लाख परिवार। और इसके बाद हम इस जगह सत्ता में फिर हम लोग गठन करने के बाद हमने सोचा और कुछ करना है बिजली के लिए, विद्युत के लिए, और 125 यूनिट हम लोग देने जा रहा है। तब झारखंड में 30 लाख परिवार फ्री बिजली मिलने जाएंगे भी। यही तो आज ये लोग कहता है, क्या काम क्या है महागठबंधन सरकार, यही सब काम देके भाजपा वाला लोग का पेट में दर्द हो गया कि हाँ मैं भी गांव की ओर जाएंगे तो कौन सा बात कहेंगे। यह सब अर्जन योजना, पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, हर हम लोग दे दिया, एक भी गांव में ये भी पेंशन के लिए दरखास्त नहीं आ रहा। ये कौन किया है, किसका नेतृत्व में ये हुआ? हमारा महागठबंधन का नेतृत्व जो करते थे हेमंत बाबू ने, उसी ने इस तरह का सोचा कि इतना खनिज संपदा भरा हुआ प्रदेश में, यहाँ का गांव, यहाँ का परिवार आज गर्मी के समय पैर में चप्पल नहीं, ठंडा के समय में गर्म कपड़ा नहीं शरीर में। इसलिए आज सभी परिवार को साल में 2 बार धोती और लुंगी और साड़ी देने लगा। यहाँ का खनिज संपदा उपयोग बाहर स्टेट में हुआ है, और उसी की इसको प्रदेश को
बहाने लिखे कौन सा ऐसा काम करने से यहाँ का मूलवासी आदिवासी एक दिन आगे बढ़ेंगे। इसीलिए शिक्षा पर बल दिया, छात्रवृत्ति भी हम लोग बढ़ाया 3 गुना, और यहाँ का आदिवासी मूलवासी का विद्यार्थी को विदेश तक हम लोग पढ़ने भेज दिया फ्री, ताकि पढ़ के आ जाए, यहाँ का मजदूर के बेटा, यहाँ के किसान का बेटा, और झारखंड में एक दिन झारखंड को संवारिएगा आप। उसका बाद और क्या किया, हमारा गांव का विद्यार्थी मैट्रिक करने के बाद वो लोग पैसा के अभाव से मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनका पास पैसा का कमी, आर्थिक का कमी है परिवार, इसलिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम लोग शुरू किया। ये हेमंत लोगों को सोच है, कोई भी विद्यार्थी अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पैसा का कमी नहीं हो, चाहे 10 लाख लगे, चाहे 12 लाख लगे, चाहे 15 लाख लगे, हम यहाँ का आदिवासी मूलवासी को हम उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हर तरह का मदद देंगे। ये सब काम देके भाजपा वाला लोग क्या बोला, क्या योजना ला दिया, यहाँ के आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा वर्ग शिक्षित हो जाएगा, तो हम ये लोग के यहाँ कौन सा राजनीतिक बात कहेंगे, उसका भय पैदा हुआ। इसीलिए आज हेमंत बाबू को, उनका सरकार को गिराने के लिए उन लोग प्रयास किया, और केंद्रीय एजेंसी से लगा के सरकार से उसको आज जेल यात्रा जाना पड़ा। यही तो आज का परिस्थिति है, इसीलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, ये महागठबंधन है, और हम लोग ये सोच समझ करके ये सरकार 5 साल की पूरा भी करेंगे, आगे भी महागठबंधन का सरकार रहेगी। हम लोग जनता के बीच में हेमंत बाबू का जो योजना का खाका तैयार किया है, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था, यहाँ का आर्थिक व्यवस्था, यहाँ का शिक्षा व्यवस्था को सुधीर करके झारखंड को आगे बढ़ाना, यहाँ का किसान के लिए अच्छा सिंचाई की व्यवस्था, यहाँ का विद्यार्थी के अच्छा स्मार्ट मॉडल स्कूल, और यहाँ का बेरोजगार, यहाँ बहुत सा उद्योग है, निजी उद्योग है हजार हजार, और उसमें भी यहाँ का बेरोजगार, हमारा किसान का बेटा, मजदूर का बेटा ही, यहाँ का आदिवासी मूलवासी ही 75% निजी कंपनी में भी काम करेंगे, कोई दूसरा नहीं। ये नियम बना दिया हेमंत बाबू ने, हमारा यहाँ का गांव, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से एक एक गांव, एक एक परिवार का समस्या जानने का प्रयास किया, किस गांव में किस तरह की योजना चाहिए, किस क्षेत्र में किस तरह से सिंचाई की योजना चाहिए, ये सारा चीज जानने के बाद इस योजना को शुरू किया। इसीलिए आज पलामू जिला में भी पाइपलाइन से सिंचाई का व्यवस्था, गढ़वा जिला में भी पाइपलाइन से सिंचाई की व्यवस्था, दुमका जिला संताल परगना में भी, कोल्हान प्रमंडल में भी इस तरह का सिंचाई का व्यवस्था उन लोग कभी सोचा नहीं था, हेमंत बाबू ने सोच लिया। जब तक यहाँ का किसान को हम सिंचाई की व्यवस्था नहीं देंगे, कभी यहाँ का अपना पैर से किसान कभी खड़ा नहीं हो सकेगा। खेत खलियान तो भरा हुआ है, इधर समय में वर्षा नहीं करेगा, अनावृष्टि करेगा, उस समय किसान हाथ के हाथ धरा रह जाते हैं। इसीलिए आधुनिक युग हो गया है, हर पूरा शहर में जब, पूरा बड़ा बड़ा शहर में जब पानी सप्लाई हो रहा है, तो हम नदी नाला यहाँ तो भरा हुआ है, यहाँ कोयल नदी भी है, सोन नदी भी है, पानी तो बहते रहता है, उस पानी को पूरा कोल्हान, इस पलामू प्रमंडल में हम लोग
पाइप का जाल को बिछा देंगे और सिंचाई का हम लोग व्यवस्था कर देंगे। हर छोटे बड़ा किसान अपना पैर से खड़ा हो जाएंगे। उसी तरह स्वास्थ्य चिकित्सा भी हम लोग देखेंगे। यहाँ का विद्यार्थी हर ब्लॉक में हर पंचायत में हम लोग अच्छा विद्यालय खोलेंगे ताकि यहाँ का बेटे दूसरा जगह से पढ़ने का जरूरत नहीं, अपना ही घर में, अपना ही पंचायत में, अपना ही प्रखंड में अच्छा शिक्षा प्राप्त करेगा तो अपने आप विकास की ओर बढ़ेगा। उस परिवार अपने आप आर्थिक सुविधा मिलने लगेंगे। इसीलिए ये सब सोच लिया जो हेमंत बाबू ने, इसीलिए उन लोग उस योजना को पचा नहीं सका। इसीलिए आज ये सरकार को अस्थिर करने का वो लोग हर समय सोचा है। ये सरकार बनने के बाद भी अभी भी उनका मन में शांति नहीं आए, गलत प्रचार करता है, कौन चीज बोलता है आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वारा। हम लोग बता देंगे कि आज जो अबू आवास ये उसी अभियान से आवेदन मिला है 29 लाख में हम लोग 20 लाख को हम लोग चयन करके हम लोग स्वीकृति कर दिया कि 29-20 लाख वो उसी अभियान से आया है। और ये जो बिजली उसी अभियान के माध्यम से जानकारी हुआ, हर पंचायत में 2500 से 3000 से ज्यादा कंज्यूमर फ्री बत्ती जला रहा है। इसलिए पूरा राज्य के अंदर में 21 लाख कंज्यूमर अभी फ्री बिजली मिल रहा है और 125 यूनिट होने से 30 लाख हो जाएगा फ्री बिजली। उसी तरह आज हर तरह की, चाहे यहाँ बेरोजगार की हो, चाहे विद्युत के विभाग विद्युतीकरण की बात हो, चाहे सिंचाई की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, हर चीज आप लोग हेमंत बाबू जरूर जेल में गया है, ये एक भी आप लोग छोटा मत कीजिएगा मन। हम लोग हर तरह की काम, हर गरीब घर में, हर ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे शहरी क्षेत्र में, हम लोग समानांतर हम लोग सेवा करेंगे। कोई भी भेदभाव नहीं रहेगा ये सरकार में, सबका सम्मान मिलेगा। कोई भी भाषा हो, कोई भी धर्म के हो, इस झारखंड प्रदेश में मान सम्मान के साथ जीने का अवसर हम लोग देंगे। किसी को ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा। इसीलिए जो ही काम गांव से जो शुरू हुआ है, गांव से ही ये सरकार भी चलेगी और शहर तक एक खाई जो बना हुआ है उस खाओ और नहीं रहेगा। सब हम लोग भाई भाई है, झारखंड को देश के अंदर में अच्छा प्रदेश में हम लोग गिनती करेंगे। जिस प्रदेश में जहाँ समानता विचार, जिस प्रदेश में एक भाई बंधुता का रिश्ता, जिस प्रदेश में सबको सम्मान के साथ शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, सबको एक नीति से बांध करके सबको रोजगार देंगे ताकि देश के अंदर में ऐसा प्रदेश हम लोग निर्माण करेंगे जिस प्रदेश में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहेगा। यही बोल के अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार, जय झारखंड। यकीनन आपके नेतृत्व में झारखंड विकास की नई कहानी लिखेगा। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आपके संबोधन के लिए। और अब एक ऐतिहासिक पल, आप वर्षों से अपने घर का इंतजार कर रहे थे, अब वो इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि हमारे बीच हमारी सरकार लेकर आई है अबुआ आवास योजना। अब मैं सादर आग्रह करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर पलामू प्रमंडल के लाभुकों के लिए अबुआ आवास योजना की पहले किस्त की राशि की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाए।
लोगों को किया गया है, जिन परिवारों को उनके लिए पहले किस्त की राशि की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रमों के द्वारा दी गई है। अगला आवास योजना एक महत्वाकांक्षी योजना धरातल पर उतर रही है, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस प्रथम किस्त की राशि की स्वीकृति हेतु। सबका घर हो अपना, ये है सबका सपना, और इसी सपने को पूरा करने के लिए हमारे बीच अब आवास योजना, जिसका लक्ष्य है वर्ष 2027 तक सभी जरूरतमंद लोगों को 3 कमरों का पक्का आवास दिया जाए। इस कड़ी में लाभुक हमारे बीच है। सबसे पहले गढ़वाल जिले के लाभुकों को आमंत्रण देना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, अपने कर कमलों से इन्हें ये स्वीकृति पत्र और कटआउट प्रदान करने की कृपा की जाए। गढ़वाल जिले से जीरवा देवी ग्राम भदुआ, पति श्री शिवनाथ उराव जी। जीरवा देवी आप आगे आएंगी और लगातार तालियां होनी चाहिए। धन्यवाद स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी एक बेमिसाल सोच के साथ हमारे बीच है। गढ़वा जिले से ये लाभुक है जीरवा देवी, जिनके लिए ये स्वीकृति पत्र अगला आवास योजना का और ये कटआउट उन्हें प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद आएंगी कबूतरी देवी ग्राम चामा प्रखंड मेराल।